हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था, एक वॉलेटाइल सेशन हमें देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखो 3:30 बजे तक ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड सेशन ही था, एक वॉलेटाइल सेशन ही था, लेकिन 2:30 बजे के बाद में ये हैमर का लो जैसे ही टूटा वैसे ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया कि 34,500 एक क्रूशियल लेवल होगा, अगर वो टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था 14,800 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 14,800 अगर टूटता है, 14,800 अगर टूटेगा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दिया जो कि एक नेगेटिव साइन है। सो कल के दिन में मुझे लगता है थोड़ा ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के दिन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मैंने आज खुलते ही मॉर्निंग में 34,500 का पुट सेल दिया था 250 में, और इसमें मेरा तीनों टारगेट अचीव हुए। 200 का फर्स्ट टारगेट था, 150 का और 100 का, तीनों टारगेट अचीव होने के बाद में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 34,500 का लेवल ब्रेक किया। तो जितने भी टेलीग्राम मेंबर्स हैं जिन्होंने ये ट्रेड किया होगा, डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि ये ट्रेड में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट कैप्चर किया, और 150 पॉइंट कैप्चर आप वॉलेटाइल डे के दिन अगर करते हो तो एक काफी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, क्योंकि वॉलेटाइल डे के दिन आप बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, 34,500 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो डेफिनेटली अब जो व्यू होता है वो बेरिश हो जाता है, और कल मुझे लगता है ट्रेंडेड मूव हमें देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड, और एक बेरिश एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी में वो आता है 33,800 के आसपास, तो यहां से करीबन 400-500 पॉइंट का फॉल हमें बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकता है, और अगर 33,800 भी टूटा तो 33,500 और 33,000 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी, तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो कल आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको कॉल सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। निफ्टी में भी अगर आप देखो 14,800 का इंपॉर्टेंट लेवल था, जो हैमर का लो था वो टूट चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, अब जो व्यू है वो नेगेटिव है, बेरिश है, और निफ्टी में भी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आते हैं वो 14,600 के आसपास आता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो 14,600 तक निफ्टी जा सकता है, तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी और जा सकता है। तो कल के दिन में आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, बेरिश की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको कॉल सेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इंट्राडे में अगर कोई भी बाउंस मिलता है, बाउंस को यूज करना शॉर्ट के लिए, तो काफी एक अच्छे प्राइस पे आपका शॉर्ट पोजीशंस बन सकता है, और उसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। डेफिनेटली आपको दोनों इंडेक्स में बेरिश व्यू रखना है, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस आपको मेंटेन भी करना है। तो निफ्टी में 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना, उससे ज्यादा मत रखना, और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो उससे 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, उससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आप मत रखना। सो आई होप आपको ये वीडियो में व्यू एकदम क्लियर है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में व्यू बेरिश है, ऑन द डाउन साइड हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, कल आपको थोड़ा शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर लाइव मार्केट में कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होगा तो डेफिनेटली मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें डेफिनेटली कल आपको ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स भी मिलेंगे, और अगर कुछ भी ट्रेंडेड लगता है तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहना, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आप ओपन ट्रस्ट एनालिसिस सीखना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, ओपन ट्रस्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, वहां पर हमारा कंप्लीट ओपन ट्रस्ट का एक कोर्स है, और ऑप्शंस का भी कोर्स है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज का भी काफी अच्छा कोर्स है, आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके दोनों ही कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।